हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस का चौथा अनुप्रयोग। क्या है अपने पास? समरूप आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश को अपने खोखला गोला भी बोलते हैं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा टॉपिक अपने क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं, किसी गोले के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, जो चैप्टर नंबर 6 था गुरुत्वाकर्षण। तो अपनों ने क्या किया था, उस गोले के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र निकाला था, उसकी सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र निकाला था, उस गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र निकाला था। तो सेम वही बात करें, किसी गोले के कारण या खोखला गोला, जो गोलिया को क्या बोलते हैं, खोखले गोले के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, उसके पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, उसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। एक बात याद, जहां पे खोखले गोले की बात होने लग जाए, अपने को पता है खोखले गोले को अपने जो भी आवेश देते हो सारा का सारा कहां जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाता है। क्योंकि खोखला गोला अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, क्योंकि अपने को पता है आवेश कहां विद्यमान रहता है, जहां कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। तो आइए बात करते हैं अपने किसी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया मेरे पास कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला है, जिसे प्लस क्यू आवेश से क्या किया जाता है, आवेशित किया गया है, जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, मान लिया मेरे पास कितना है पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि सारा पृष्ठ पे वितरित होगा, क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा। अब बात करते हैं अपनी, मान लो मेरे पास ये क्या खोखला गोला है, जिसकी त्रिज्या मैंने कितनी मान ली मेरे पास आर है, और इसका केंद्र ओ है। अब खोखले गोले को जो भी मैं आवेश दूंगा सारा का सारा कहां वितरित हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के कारण प्लस क्यू आवेश दिया है इसको, ठीक है। अब इसकी तीन स्थितियां बनेंगी, इस गोले के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, इस गोले के पृष्ठ पर कितना आएगा, और इस गोले के अंदर कितना आवेश आएगा। तो सबसे पहले बात करूंगा खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, ओबीसी बात है, खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने किस नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम को अपने को पता है कहां लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो मैं इसके केंद्र से कोई बाहर पॉइंट ले लिया, एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी, यहां मेरे को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहर निकाली तो इस कंडीशन में जो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगी, ज्यादा होगी इस कंडीशन के अंदर, बाहर की कंडीशन के अंदर। तो इस पी पॉइंट पर मेरे को आर त्रिज्या का क्या बनाना पड़ेगा, एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो अपने को पता है जो गाउसीय पृष्ठ होगा वो कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा, क्योंकि जो प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, चारों तरफ बाहर निकलेगी। तो एक काम बनेगा, एक अपनी गाउसीय पृष्ठ बनेगा। यहाँ पे दो पृष्ठ बन रहे हैं, एक तो ये अंदर वाला पृष्ठ बन रहा है, एक बाहर वाला गोलाकार पृष्ठ बन रहा है। इसको बोलते हैं अपने गाउसीय पृष्ठ, बाहर वाले को गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। इसको बोलते हैं आवेशित पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है, आवेशित पृष्ठ है, आवेशित पृष्ठ। आवेशित पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है मेरे पास, कैपिटल आर है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि गाउस का नियम क्या कहता है, कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश होता है उसका वन अपॉन म्यू, सॉरी, जो टोटल आवेश होता है उसका वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पर एक छोटा सा अल्पांश लिया। अपने को पता है कि किसी भी जो पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां होगा, लंबवत बाहर निकलता है। मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट के अंदर कि किसी भी पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र होता है लंबवत बाहर निकलता है। देखो, इस पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कि सभी पृष्ठ पर भी सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे भी त्रिज्या आर होगी, यहाँ पे भी त्रिज्या आर होगी, यहाँ पे भी। तो एक छोटे से पार्ट का निकाल के सारे का क्या कर दूं, मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो इस पी पॉइंट पर मेरे को क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एस डॉट डाउन तो क्या, ई डी एस कोस थीटा समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं थीटा कितना बनेगा। अपने को पता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी। और देखो, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा पार्ट निकालू तो कैसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी अपने पास। देखो, अगर गोले का मैं अगर छोटा सा पार्ट निकालू यहाँ पे, इसको क्या मान सकते हैं अपने, देखो स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो थीटा कितना मिल गया यहाँ पे अपने को, 0 डिग्री। तो ई डी एस
कॉस जीरो। अब देखो समेशन क्यू क्या होता है, समेशन क्यू मतलब इस पृष्ठ पर कितना आवेश है, अपने को मतलब जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो कितना होगा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एस। एस क्या होता है, पृष्ठ होता है। अब देखो यहाँ पे दो पृष्ठ है, एक गाउसिय पृष्ठ है एक आवेशित पृष्ठ है, तो ये एस कौन सा होगा, अपने को पता है आवेश कौन से पृष्ठ पर वितरित है, आवेशित पृष्ठ पर वितरित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आवेशित पृष्ठ। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा एस आवेशित पृष्ठ, आवेशित पृष्ठ बोल सकते हैं इसको। तो यहां पे कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा एस आवेशित पृष्ठ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। याद रखना क्योंकि अपने को पता है क्योंकि आवेश कौन से पृष्ठ पर दिया हुआ है, अंदर वाली पृष्ठ पर दिया, तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, आवेशित पृष्ठ दिया, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। अब बात करते हैं, देखो थीटा जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। कितना आ गया यहाँ पे, ई डी एस सिग्मा एस आवेशित पृष्ठ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक देख लो एक बार, इसको ऊपर वाला मैटर मैं रफ करने जा रहा हूं। अब देखो विद्युत क्षेत्र क्या है, कोस्टेन तो मैंने बाहर निकाल लिया, ई अंदर क्या रह गया, डी एस सिग्मा एस आवेशित पृष्ठ, आवेशित पृष्ठ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई। डी एस का समाकलन कितना हो गया, एस। अब ये एस कौन सा होगा, तो अपने देखो ये क्षेत्रफल सदिश था, कहां लिया अपने, किस पृष्ठ पर लिया, गाउसिय पृष्ठ पर लिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, गाउसिय पृष्ठ, गाउसिय पृष्ठ, सिग्मा एस आवेशित पृष्ठ अपॉन में, दोबारा बता देता हूं, ये देखो क्षेत्रफल सदिश कहां लिया उन्होंने, इस गाउसिय पृष्ठ पर लिया, तो इस ये कौन सा हो जाएगा, गाउसिय पृष्ठ, और आवेश कहां वितरित किया, इस आवेशित पृष्ठ पर, तो इसको बोल दिया उन्होंने आवेशित पृष्ठ। अब देखते हैं, देखो क्या ये एस इस एस से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है दोनों का क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग आएगा, इस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, और गाउसिय पृष्ठ कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, ई डॉट गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, आर, और अपने को पता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, आर है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा, सिग्मा आवेशित पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो अपने को ई जो बाहर मिलेगा, जो विद्युत क्षेत्र अपने को कहां मिल रही है, बाहर, तो मैंने बाहर लिख दिया, सिग्मा यहां पे कितना रह गया ऊपर, आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर से क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, अपने को यह मिलेगा किसी भी गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक फॉर्मूला स्कोर क्या बनेगा, ई बाहर, अगर वैसे देखे तो ये आर की त्रिज्या कम हो, स्मॉल आर कम होता जाएगा, मतलब ये पी पास आता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं दोनों को 4 पाई से डिवाइड कर दूं, 4 पाई से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 4 पाई आर स्क्वायर बन गया ऊपर, नीचे कितना बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एक बात और देखिए, अपने को पता है जो क्यू आया था वो क्या आया था अपना, सिग्मा एस आवेशित पृष्ठ, तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा एस आवेशित पृष्ठ, मतलब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, एस क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है ना, 4 पाई, आप देखो यहां पे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू लिख सकता हूं, ई बाहर कितना आ गया अपने पास, क्यू। अब एक बार नीचे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के लिख सकता हूं, नीचे क्या रह गया, आर स्क्वायर। दोबारा बता देता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के होता है, और आर वैसे का वैसा। एक फॉर्मूला अपने पास ये बन गया। यहां पे देखो किसी भी बाहर पॉइंट के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा के क्यू अपॉन में
आर स्क्वायर, जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आर दूर जाता जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो ये था पहला पॉइंट, किसी भी गोले के बाहर बिंदु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करेंगे अपने गोले के पृष्ठ पर। देखो ये पॉइंट पी इसके पास आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। अब देखेंगे इसके पृष्ठ पर कितना आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं यहां पे लिख देता हूं, जो पहला पॉइंट अपन निकाला है ई सतह पे, सॉरी ई बाहर, दो फॉर्मूले प्राप्त हो, एक तो कितना होगा एप्सिलॉन सिग्मा पोन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पोन में आर स्क्वायर, एक प्राप्त हुआ अपने को के क्यू पोन में आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट क्या है, खोखले गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर या सतह पर एक ही बात है, सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो वही बात, आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला है, ये केंद्र केंद्र से कितनी दूरी पर, इसके सतह पर मतलब इस आर दूरी पर, मतलब ये स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा, क्योंकि इस तह पे निकाल रहे हैं, इसकी त्रिज्या भी आर होगी, और जो आर दूरी पे निकालो कहां लेंगे अपने को, आर दूरी इसके पृष्ठ पर लेके चलनी है, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर। इस पॉइंट पर निकालनी है मेरे को पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पर कैसे बनाने पड़ेगा मेरे को, गाउसिय पृष्ठ बनाना पड़ेगा, मतलब जो आवेशित पृष्ठ होगा वही क्या हो जाएगा गाउसिय पृष्ठ हो जाएगा, मतलब दोनों ही क्या होंगे एक ही पृष्ठ पर होंगे, इसी के ऊपर क्या आवेशित पृष्ठ है, इसी के ऊपर क्या गाउसिय पृष्ठ है, उस कंडीशन में दोनों की त्रिज्याएं क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। पर हम जानते हैं अभी हमने निकाला था कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना मिला था सिग्मा पोन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पोन में आर स्क्वायर, तो कितना मिला था सिग्मा पोन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पोन में आर स्क्वायर। पर अपने को पता है आर बराबर क्या है, आर है तो ई सरफेस मतलब सतह पर कितना आ जाएगा सिग्मा पोन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस तह पे कितना आ गया सिग्मा पोन में एप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। अगर दूसरी बात इस स्मॉल आर की जगह मैं क्या कर दूं कैपिटल आर रख दूं तो क्या आ जाएगा इस तह पे कितना आ गया के क्यू पोन में आर स्क्वायर। बात समझ आई, बात बताऊं जैसे जैसे मान लो कोई गोले के बाहर कोई पॉइंट पी है, जैसे जैसे पास आते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, किसी बाहर पॉइंट में विद्युत क्षेत्र कितना मिलता है के क्यू पोन में आर स्क्वायर, और सतह पे कितना मिलता है के क्यू पोन में आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले अपने को और प्राप्त हो गए, यहाँ वापस लिख देता हूं मैं दोनों फॉर्मूले, तो लास्ट में ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को, इस तह पे कितना मिल गया सिग्मा पोन में एप्सिलॉन नॉट या के क्यू पोन में आर स्क्वायर। अब बात करते हैं तीसरा, खोखले गोले के अंदर कितना आएगा, तीसरा पॉइंट खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, अगर खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो उस कंडीशन में स्मॉल आर की वैल्यू कम हो जाएगी कैपिटल आर से, क्यों गोले के अंदर बात करनी है अपने को, तो वही बात आर त्रिज्या का मैंने क्या ले लिया गोला ले लिया, जिसको एक समारूप से क्या किया गया आवेशित किया गया है, इस खोखले गोले के अंदर मैंने कोई आर दूरी पर एक पॉइंट मान लिया पी, जहां मेरे को क्या याद करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अंदर मैंने स्मॉल आर त्रिज्या के क्या कर लिया गाउसिय पृष्ठ की कल्पना कर ली, तो ये तो कौन सा है आवेशित पृष्ठ है, और ये कौन से मेरे पास गाउसिय पृष्ठ, गाउसिय पृष्ठ। अब देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, तो अपने को पता है गाउस का नियम क्या कहता है E डॉट ds सदिश समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब ध्यान देखना कि अंदर इसका आवेश कितना है, अंदर आवेश
कितने, तो अपने को पता है कि खोखले गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, सारा का सारा आवेश कहाँ है, इसके बाहर के परस्त पर है। अतः तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, देखो मोशन क्यू की वैल्यू कितनी है, जीरो, टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारे जीरो हो जाएगी। तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा अपने को, जीरो, क्योंकि अपने को पता है कि खोखले गोले के अंदर जितना भी आवेश होता है सारा कहां होता है, उसके सरफेस पे होता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें शून्य प्राप्त होती है। खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा शून्य प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो E अंदर कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को, E अंदर जीरो। अब एक बार देखो, पहला पॉइंट क्या लिया था, बाहर लिया था, जैसे जैसे वो P पॉइंट सरफेस की तरफ पास आ रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, कब तक बढ़ेगी, उसके सरफेस तक बढ़ेगी, जैसे वो P पॉइंट अंदर आ गया उसके विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है, जैसे पी पॉइंट दूर जाता रहता है वैसे उसकी तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब देखेंगे अपने ग्राफ, तीनों फॉर्मूले अपने पास है, बाहर, अंदर और सरफेस पे। सेम ग्राफ अपनों ने 11th में बनाया था, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्मॉल आर, स्मॉल आर भी डिपेंड कर रहे हैं ना। देखो सबसे पहले मैंने, देखो अपने को पता है मैक्सिमम कहां प्राप्त होगा, इसके सतह पे, तो यहां पे मैंने पॉइंट मान लिया आर बराबर आर, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या प्राप्त होगा अपने को, मैक्सिमम प्राप्त होगा, ये कहां पे है, ई सतह पे है। अब बात करेंगे पहले पॉइंट की, अब जैसे जैसे ये आर बढ़ता जा रहा है इस पॉइंट पर, तो क्या विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम प्राप्त हुआ है, और जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, इससे कम होती जाएगी। तो ये कहां प्राप्त होगा अपने को, ई बाहर, विद्युत क्षेत्र बाहर। अंदर तो देखो आर कितना भी बढ़ जाए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, शून्य ही रहेगी, मतलब इस आर पॉइंट तक, मतलब ये कोई आर त्रिज्या का पॉइंट था अपने पास, जैसे जैसे इस पॉइंट तक, जैसे इस मोड पृष्ठ पर आने से पहले तक विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा अपने पास, शून्य रहेगा। जैसे ही आर इसके पृष्ठ पर आ जाता है वहां पर अपने विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा बता देता हूं, खोखला गोला होता है उसके अंदर जो भी आवेश स्थिति है सारा का सारा उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, और अपन तीन पॉइंट लिए थे, खोखले गोले के बाहर, उसके सतह पे और उसके अंदर। और अपने को पता है बाहर कितना प्राप्त हुआ था, के क्यू पोन में आर स्क्वायर, सतह पे के क्यू पोन में आर स्क्वायर, और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, क्यों, वहां पे आवेश कितना था, शून्य था। ये थी अपने पास चौथी एप्लीकेशन, किसी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करेंगे अपने जो इसकी पांचवी एप्लीकेशन है, किसी समरूप आवेशी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बात देखो, यहाँ पे पहले कौन सा आया था, खोखला गोला, अब आता है चालक गोला। तो देखेंगे मेरे पास मान लो ये कोई चालक गोला है, ठीक है, इसके अंदर जो भी मैं आवेश दूंगा, चालक गोला पहले से ही क्या है, आवेशित है, कैसा गोला, ये चालक गोला, ध्यान से समझना इसको, चालक गोला, ठीक है, पहले से आवेशित है। जैसे मैं इसको कोई और आवेश दूंगा, मान लो क्यू आवेश दे दिया, इसके अंदर पहले से कोई आवेश था, मैंने क्यू आवेश दे दिया, तो चालन सुविधा या प्रतिकर्षण के कारण सारा का सारा आवेश कहां आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। बात समझ आई, ये कोई चालक गोला लेके चला था, पहले से आवेशी था, उसको मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज और देने के बाद चालन सुविधा या प्रतिकर्षण के कारण सारा का सारा आवेश कहां गया, इसके पृष्ठ पर आ गया। और अभी अपने पढ़ के आए थे कि किसी खोखले गोले को भी आवेश दे, वो भी सारा कहां गया था, उसके पृष्ठ पर आ गया था, अंदर आवेश था नहीं, तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा, इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा, अंदर जीरो प्राप्त होगा, तो अंदर कोई भी आवेश नहीं, सारा का सारा इसके कहां गया, पृष्ठ पर आ गया। तो ध्यान रखना जो चालक गोला होगा, चालक गोला खोखले गोले की भांति व्यवहार करेगा, खोखले गोले की भांति व्यवहार करेगा,
जो रिजल्ट अपने को खोखले गोले के लिए प्राप्त हुआ था वही बात मालूम है। इसके कोई आर दूरी पर पॉइंट लूंगा पी, इसके लिए कोई गाउसीय पृष्ठ बनाऊंगा और अपने पढ़ चुके हैं किसी पी, ये भी देखो पृष्ठ पर आवेश वितरित है, इसके कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा ईस्ट बाहर, वही सेम आएगा जो खोखले गोले के लिए आया था के क्यू अपॉन में सॉरी आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया जो चालक गोला वो सेम किसकी तरह व्यवहार करता है खोखले गोले की तरह व्यवहार करता है। इसका जो मैथमेटिकल था जो अपने खोखले गोले के लिए किया था सेम वही करना है। दूसरी बात दूसरा पॉइंट क्या था इसके इसके सतह पर या इसके पृष्ठ पर कितना आया था अपना के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, सेम इसी के लिए वही करना है जो खोखले गोले के लिए किया था अपनों ने, इसका रिजल्ट भी कितना आया था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आएगा। तीसरा ई अंदर अंदर मैंने बता दिया कितना आएगा जीरो, क्योंकि इसको देखो पहले से तो आवेश था ये, अपनों ने आवेश दिया तो सारा का सारा आवेश प्रतिकर्षण के कारण कहां गया इसके पृष्ठ पर, तो अंदर तो कोई आवेश रहा नहीं, तो इसके लिए समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे जीरो, जीरो है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा जीरो हो जाएगा। इसके लिए तीनों के लिए जो ग्राफ बनेगा सेम जो मैंने अभी बनाया था कुछ इस प्रकार, ये तो क्या हो जाएगा इस सतह पे हो जाएगा मैक्सिमम प्राप्त होगा कहां सतह पे, ये जैसे जैसे सतह से आर कोण दूर जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, और अंदर तो कितना है अपने को पता है शून्य प्राप्त होगा जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, कब तक जब तक स्मॉल आर बराबर क्या ना हो जाए कैपिटल आर, और ये क्या है ये तीनों अपने को मिल गया यहाँ पे क्या है ई अंदर अंदर कितना है जीरो प्राप्त होगा। तो ये था अपने पास चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा बता देता हूं अगर एग्जाम में आता है गोलीय कोश तो आपको यही करना पड़ेगा, अगर आ जाए खोखला गोला क्योंकि अपने पता है गोलीय कोश और खोखला गोला दो शब्द है कोई भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि वो बोल देगा कि गाउस का नियम लिखिए, गाउस के नियम से गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो अपने को गोले के बाहर गोले के अंदर और गोले के सतह पर वो ग्राफ सारा कंप्लीट करना होगा। या क्वेश्चन आएगा गाउस का नियम क्या है किसी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप सारा यहाँ पे लिखोगे पहले क्या लिखोगे कि अपने को पता है चालक गोले के अंदर अपने जो भी आवेश देते हैं चालन सुविधा या प्रतिकर्षण के कारण सारा का सारा आवेश कहाँ जाता है अपने गोले के पृष्ठ पर आ जाता है, जिसके कारण जो चालक गोला होता है वो भी अपने खोखले गोले की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर अपने तीन स्थितियां प्राप्त होती है, पहली स्थिति गोले के बाहर गोले के सतह पे और गोले के अंदर, फिर आप लिखोगे पॉइंट फर्स्ट गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना है उसका मैथमेटिकल निकालोगे, दूसरा पॉइंट डालोगे गोले के अंदर कितना आएगा, फिर गोले के सतह पे सॉरी दो नंबर पे सतह तीन नंबर पे अंदर, फिर उसका ग्राफ बनाओगे, इस प्रकार आपको वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू।